हेलो गाइस। सो आज हमारा थ्योरी सेक्शन है, तो हम लोग आज एक चीज़ के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम है मॉनिटर मोड। आपने बहुत से बार इसका नाम सुना होगा और आपने इसे अनेबल भी किया होगा वाईफाई हैकिंग और भी अटैक्स के लिए। पर आपने कभी जाना है मॉनिटर मोड क्या होता है और हम इसका मेन रीज़न क्या है, कैसे वर्क करता है? तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मॉनिटर मोड कैसे वर्क करता है और ये क्या होता है। जो भी चीज करेंगे ना, हमें उसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, वो क्या करता है, वो कैसे वर्क करता है। तो चलिए देखते हैं कि मॉनिटर मोड क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन रेडी किया है, तो इसे रीड करते हैं। मॉनिटर मोड मीन्स वी कैन रीड ऑल द पैकेट्स ऑफ डेटा इवन इफ दे आर नॉट सेंट टू अस बाय द यूज ऑफ दिस मोड्स। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड मॉनिटर मोड। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ चेक करते हैं कि जो हमारा काली लिनक्स को जब हम लोग ओपन करते हैं तब वो कौन से मोड में रहते हैं। तो मैं यहाँ पर काली में जाता हूँ, मैं यहाँ पर टर्मिनल ओपन करता हूँ। अब मैं यहाँ पर टर्मिनल में लिखता हूँ iwconfig। iwconfig में एक ऐसा कमांड है जिसमें वो आपको सब जितने भी वायरलेस अडाप्टर वायरलेस एक्सटेंशन है वो शो करेगा। अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर WLAN 0 में वायरलेस एक्सटेंशन था करके उसने यहाँ पर शो किया। ETS 0 में नहीं है क्योंकि वो वायर्ड कनेक्टेड है, तो यहाँ पर कोई वायरलेस एक्सटेंशन नहीं है करके यहाँ इसने यहाँ पर नो वायरलेस एक्सटेंशन आउटपुट दिया। और यहाँ पर WLAN 0 में आप देख सकते हो यहाँ पर जो मोड है वो है मैनेज मोड में। अभी आपको यहाँ पर दो मोड दिखते हैं, एक तो मैनेज मोड, एक है मॉनिटर मोड। अब ये मॉनिटर मोड को कैसे अनेबल करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, पर अभी मेन चीज़ है हमें जानना है कि मॉनिटर मोड होता क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हो, वी कैन रीड ऑल द पैकेट्स। अभी पैकेट्स वर्ड क्या है? अभी आप इंटरनेट यूजुअली सर्फ करते हो, गूगल में जाते हो, आप कभी कुछ गाने डाउनलोड करते हो ना, तो वो जो डाउनलोड होता है ना वो पैकेट्स के थ्रू होता है। मतलब एक छोटे छोटे पैकेट्स उस फाइल को बनाते हैं। आपने कुछ गेम डाउनलोड किया, अभी वो छोटे पैकेट्स सब डाउनलोड होते ऐसे बिट्स में डाउनलोड होके एक फाइल बनता है। अभी इमेजिन करो, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। अभी यहाँ पर एक वायरलेस नेटवर्क है जिसका नाम है वन। मैंने नाम लिया, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, टीपी लिंक। ठीक है, टीपी लिंक राउटर है यहाँ पर, और यहाँ पर एक एंड यूजर है, यहाँ पर एक थ्री यूजर है। ठीक है, एक नाम लेते हैं उसका रॉल्फ, रॉल्फ के नाम एक यूजर है। अभी इसे टीपी लिंक से कनेक्ट होना है, तो सबसे पहले क्या करेगा, टीपी लिंक का पासवर्ड डालेगा, पासवर्ड डालेगा और डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगा। तो ये हुआ मैनेज मोड। अभी वो कुछ भी डेटा रिक्वेस्ट करेगा तो दो दो लोग के बीच में ही रहेगा, एक तो टीपी लिंक और एक रॉल्फ। अभी रॉल्फ ने कुछ रिक्वेस्ट किया, जैसे कुछ डाउनलोड कर रहा है, उसे टीपी लिंक से इंटरनेट मिल रहा है और रॉल्फ डाउनलोड कर रहा है। मतलब जो इंटरेक्शन हो रहा है वो हो रहा है, टू वे इंटरेक्शन हो रहा है, टीपी लिंक एंड रॉल्फ। अब जब मॉनिटर मोड अनेबल होता है, अभी ये जो टीपी लिंक और रॉल्फ कनेक्टेड है राइट, अभी जो मैनेज मोड वाला बंदा है उसे कनेक्टेड रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, फिर भी वो पैकेट स्टील कर सकता है। अभी लेट्स इमेजिन कि एक तीसरा बंदा है जिसका नाम है MN रख देते हैं। अभी ये तीसरा बंदे की इसमें मॉनिटर मोड कनेक्टेड है और ये टीपी लिंक वायरलेस से कनेक्टेड नहीं है, फिर भी ये इसका डेटा स्टील कर सकता है। अभी स्टील कैसे करेगा, ये एक मिडलमैन जैसे वर्क करेगा। अभी आप जो भी टीपी लिंक और रॉल्फ के बीच में जो भी पैकेट शेयर हो रहा है ना वो सब पैकेट को रीड कर सकता है। तो यही है मॉनिटर मोड का बेनिफिट कि आप उस वायरलेस नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं हो, फिर भी आप उस पैकेट को रीड कर सकते हो। मतलब उस वायरलेस नेटवर्क में जितने भी पैकेट्स फ्लो हो रहे हैं, जो भी जितने भी डिवाइसेस से जा रहे हैं, आप उन सब पैकेट्स को रीड कर सकते हो। और इसे वाईफाई हैकिंग के लिए यूज़ किया जाता है मॉनिटर मोड को, और भी बहुत सारे अटैक है जिसमें हम लोग मॉनिटर मोड को यूज़ करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि मॉनिटर मोड क्या होता है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग मॉनिटर मोड को अनेबल करते हैं। तो मॉनिटर मोड को अनेबल करने के लिए दो मेथड है, तो मैं आपको दोनों मेथड सिखाऊंगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।